बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बात करते हैं ख्वाब में तस्वीर देखने की ताबीर के हवाले से। इस ख्वाब को देखने की मुख्तलिफ सूरतें हैं, जैसा कि ख्वाब में अपनी तस्वीर देखना, किसी की देखना, तस्वीर खींचना, खिंचवाना, घर में लगाना, उतारना, खरीदना, बेचना वगैरह। इसी तरह इस ख्वाब के देखने की और भी सूरतें हैं और उनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। अगर आपका ख्वाब तस्वीर के रिलेटेड है और आप अपने ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो वीडियो की जानकारी बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मुर्तजा यासिन और आजाद इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप अपने ख्वाब की ताबीर भी आसानी से मालूम कर सके। ख्वाब में तस्वीर अपनी बदसूरत देखना, ये रंजो गम पाने, परेशान होने किसी मुसीबत के आने, तंगदस्त होने, फितना फसाद पाने और मकरूज होने की दलील है। ख्वाब में तस्वीर किसी और की बदसूरत देखना, ये हैरानों परेशान होने, किसी मुनाफिक से वास्ता पड़ने, बीमार होने, कारोबार में कमी होने और बेजारो मददगार होने की निशानी है। इसी तरह ख्वाब में तस्वीर अपनी खूबसूरत देखना, ये इज्जतो मर्तबा के बुलंद होने, ऐशो इशरत पाने, मालो दौलत में अजाफा होने और तमाम रंजो गम दूर होने की इलामत है। इसी तरह अगर आप ख्वाब में तस्वीर किसी और की खूबसूरत देखते हैं तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये काम से दिल चुराने, दौलत चाहने, इबादत में खराबी होने, इश्क लगने, शादी की ख्वाहिश करने और मकरो फरेब पाने की इलामत है। ख्वाब में तस्वीर खरीदना, ये गुमराह होने, दौलत खर्च करने, फिक्रो अंदेशा पाने और किसी बेवफा से शादी होने की दलील है। ख्वाब में अगर आप तस्वीर बेचते हैं तो ये इज्जतो मर्तबा से गिरने और तंगदस्त होने की इलामत है। ख्वाब में तस्वीर मिलना, लेना या पाना, ये दौलत हराम पाने, शर्मिंदा होने, नेकी से दूर होने और किसी मुनाफिक से शादी होने की दलील है। इसी तरह अगर आप ख्वाब में तस्वीर किसी और को देते हैं तो इस ख्वाब की ताबीर यह होगी कि यह बीमारी से शिफा पाने, रंजो गम के दूर होने, फलाह पाने और नेकी पाने की निशानी है। ख्वाब में तस्वीर खींचना, ये गमों अंधों पाने, कारोबार में तनजली होने, दीन से दूर होने, रिजक हराम खाने और जज्बात बेकाबू होने की दलील है। अगर आप ख्वाब में तस्वीर बनाते हैं तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये फितना फसाद पाने, दौलत जाया होने और इज्जतो मर्तबा के कम होने की निशानी है। अगर कोई ख्वाब में तस्वीर खिंचवाए तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये जवानी से रंज पाने, शोहरत हासिल होने, बदनाम होने और परेशान होने की दलील है। ख्वाब में तस्वीर घर में लगाना या रखना, ये अल्लाह की रहमत से दूर होने, किसी आफत में मुब्तला होने, परेशान होने और बीमार होने की निशानी है। ख्वाब में तस्वीर अपनी या किसी की अपने पास रखना, ये माले हराम खाने, हराम कारी करने, इज्जतो मर्तबा से गिरने और रंजो गम पाने की दलील है। ख्वाब में तस्वीर गुम होना या चोरी होना, ये गुनाहों से तोबा करने, रिजक हलाल पाने और आराम और राहत पाने की निशानी है। ख्वाब में तस्वीर फाड़ना या जाया करना, ये दीनदार होने, रंजो गम दूर होने, रिजक में अजाफा होने और इज्जतो मर्तबा बुलंद होने की दलील है। ख्वाब में तस्वीर घर से उतारना, ये किसी नेमत के मिलने, कारोबार में तरक्की होने, आराम और राहत पानी और मुत्तकियों परहेजगार होने की निशानी है। मौजूदा सामिन, हो सकता है कि आपका ख्वाब इससे कुछ मुख्तलिफ हो। अगर आप अपने ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे अपना ख्वाब कमेंट करें।
ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم جلد از جلد آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر کے حوالے سے آگاہ کر سکیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔